जय हिंद साथियों, सेना भर्ती को लेकर खबर चाहे कुछ भी हो, लेकिन सवाल सभी का एक ही होता है और वह सवाल यह है कि 2020 में सेना भर्ती रैली शुरू होंगी या नहीं। हर किसी युवा की जुबान पर सिर्फ यह सवाल आ रहा है, क्या इस साल 2020 में सेना भर्ती रैली शुरू होंगी या नहीं। तो देखिए साथियों, इसका जवाब है कि अब सेना भर्ती रैली शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज भी दिल्ली के राजरिप सेंटर में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दिल्ली के राजरिप सेंटर में रिलेशन भर्ती शुरू हो चुकी है। आप वहां पर देख सकते हैं कि युवा वहां सेना भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इस बात को पुख्ता खुद वह युवा भी कर सकते हैं। यदि कोई भी साथी इस सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए पहुंचा है और वह इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ साथियों एक बार कंफर्म कर दीजिए, इन युवाओं को बता दीजिए जो हताश और उदास होकर बैठ गए हैं कि 2020 में सेना भर्ती रैली होगी भी या नहीं होगी। तो इन सभी को आप भी बता दीजिए कि हाँ, सेना भर्ती रैली शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली राजरिफ सेंटर पर सेना भर्ती का पहला दिन था, यानी 21 सितंबर से राजरिफ दिल्ली सेंटर में सेना भर्ती रैली शुरू हो चुकी है और वहां पर युवा पहुंच चुके हैं सेना भर्ती में शामिल होने के लिए। इसके बाद में एक अगली खबर आपके लिए और बता देता हूं कि आज यानी 21 सितंबर से ही फतेहपुर यानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जो सेना भर्ती रैली हुई थी, कोरोना के चलते उसके कुछ युवाओं के जो मेडिकल चेकअप थे वह शेष रह गए थे, कुछ युवाओं का मेडिकल नहीं हो पाया था। तो ऐसे में आज यानी 21 सितंबर से उन युवाओं के मेडिकल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको बता देते हैं कि इस सेना भर्ती में जिन युवाओं का मेडिकल शेष रह गया था, उन युवाओं के लिए 21 सितंबर से बेस अस्पताल में उनको बुलाया गया है। वहां युवा पहुंच रहे हैं मेडिकल प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। और दूसरी जो तिथि है 25 सितंबर, यानी 25 सितंबर को युवाओं को कमांड अस्पताल में पहुंचना होगा, वहां पर भी युवाओं का मेडिकल चेकअप किया जाना है। तो साथियों, ये दो बड़ी खबरें हैं आपके लिए कि सेना भर्ती शुरू हो चुकी है, भले ही अभी रिलेशन की भर्ती हो रही है, भले ही कोटे की भर्ती हो रही है, लेकिन हाँ, सेना भर्तियों की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। और अगली बात आपको एक और बता देते हैं कि अब आपने खुद भी देखा होगा कि तमाम भर्तियों को लेकर जो राज्य सरकारें हैं वह भी अब इसको गंभीरता से लेने लगी हैं। राज्य सरकारें खुद इस चीज को लेकर चिंतित हैं। आपने खुद देखा होगा कि अभी दो दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी विभागों में जहां जहां भर्तियां अटकी हुई हैं उन सभी विभागों के मुखियाओं को बुलाकर उनके साथ में बैठक की है और सभी भर्तियों को पूरा कराने का उनको निर्देश भी दिया है। इसके अलावा आज आपने फिर राजस्थान में भी देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सभी भर्तियों के डिपार्टमेंटों के मुखियाओं को बुलाया है, जो इन भर्तियों से संबंधित अधिकारी उन सबके साथ में चर्चा की है, मीटिंग की है और यह निर्देश है कि इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। यानी साथियों, सभी भर्तियों की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है, सभी साथी अपने तैयारियों में जुट जाएं। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं से मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट जाएं। 2020 में ही आपकी सेना भर्ती शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एक बार फिर बता देते हैं आपको कि जो ओपन सेना रैली भर्ती है उनके आयोजन को लेकर भी अब धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है, इस साल सेना भर्ती शुरू हो सकती है। इसलिए साथियों, आप तिथि का इंतजार नहीं करें, आप तारीख का इंतजार नहीं करें, अपनी तैयारियों में अभी से जुट जाएं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़े एक ऐसी ही नई खबर के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।